कि कानून सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में पटना पुलिस के लिए सिरदर्दी बनी थी कि पटना में अपराध कैसे कम हो। आप देख रहे हैं लगातार हम बेली रोड पर है और बेली रोड पर किस तरह से अभियान के तहत ये कार्रवाई हो रही है, जिसमें लगातार पुलिस अभियान चला रही है। अभियान के तहत लगातार जो बाइकर्स हैं उनसे पूछा जा रहा है, देखिए आप किस तरह से कोई भी व्यक्ति हो जो कानून का पालन नहीं कर रहा है उसे रोका जा रहा है, क्योंकि हेलमेट पहनना अनिवार्य है और ये कहा गया है कि हेलमेट जो आप जो लोग हैं जो सड़कों पर चल रहे हैं उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, बेल्ट लगाना अनिवार्य है। फिर भी तमाम जो ट्रैफिक के जो तमाम जो यहाँ पे अधिकारी हैं पुलिसकर्मी हैं वो लगातार लगे हुए, आप देख सकते हैं जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो किस तरह से गाड़ियों को रोक रहे हैं कि हर तरफ एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा अभियान चल रहा है पूरे पटना में और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। पटना के जो डीजीपी हैं द्विवेदी जी और पटना के एडीजी जो हैं उन्होंने साफ कहा था कि अब लगातार पटना पर अपराध को रोकने के लिए इस पर लगातार कार्रवाई होगी। और ये आप देख सकते हैं ये तमाम जो चीजें हैं ये जो बाइक्स हैं ये क्योंकि कानून का पालन नहीं करने के कारण इन लोगों को इसमें ले, ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बोलो ना, क्या कह, हंसिए नहीं, कहिए क्या है? गलत बात है। और क्या है? क्या गलत बात है? क्या गलत बात? आपकी गाड़ी पकड़ी गई है? कैसे, क्यों, किस कारण से? किस कारण से? यहाँ भी एक गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर है, इनको भी साइट किया जा रहा है और इनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही, तो तमाम वो गाड़ियां हैं किस तरह से पूछताछ हो रही है और कानून का पालन नहीं करने के की वजह से। ये देखिए यहाँ भी जो गाड़ियां आ रही है सीट बेल्ट और तमाम जो चीजें हैं जो कहा जा रहा है कि कानून का पालन हो, तो हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं लोगों से भी बात करेंगे, हम इनसे भी बात करेंगे। एक महिला है, आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या लगता है ये जो कार्रवाई हो रही है? महिलाओं का भी ये लगातार कहना था कि कानून व्यवस्था का राज रहे, अब कैसा लग रहा है पटना में? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग मतलब जितना भी है पहले से लेकर अभी तक, अभी वो खुद आए हैं रोड पे, तो अच्छी बात है कि खुद आकर देख रहे हैं सब चीज। पहले तो बहुत मतलब बहुत रूल्स रेगुलेशन बनते हैं और वो बहुत तोड़ा भी जाता है, लेकिन एटलीस्ट सब वो डर बना के रखना चाहिए ताकि डर रहेगा तो वो दोबारा लोग गलती ना करें। इस तरह से महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहे थे, कई जिलों में आपने देखा कि वीडियो वायरल की तस्वीरें आई महिलाओं के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा था, वैसे में आप क्या चाहेंगी, सरकार को क्या संदेश देंगी और क्या? वो एक्टिव होना चाहिए, अगर इंसान कोई भी वोट कर रहा है किसी भी चीज के लिए तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग पैसिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं और अभी जो भी हो रहा है ये आज हो रहा है, अगर डेली ऐसे रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रहे तो ऑब्वियसली बात है कोई भी क्राइम नहीं होंगे। चलिए, किसी को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं ये कार्रवाई है और ये कार्रवाई, एक महिला थी उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ महिलाओं से बात करें, आप बताइए जिस तरह से कानूनी कार्रवाई हो रही है, लगातार पटना वासियों का ये आरोप था कि अपराध बढ़ रहा है, अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इसको कैसे लेते हैं आप? ये बिल्कुल ही गलत है, जहाँ रेप होता है वहाँ तो पुलिस पहुंचती नहीं है, यहाँ जहाँ इतनी जरूरत नहीं है वहाँ 50-50 पुलिस रोड पे उतार रखे, कोई मतलब नहीं बनता है इसका बिल्कुल भी। क्या लगता है जैसे नियम का जो पालन, पहले भी पटना पुलिस ने कहा कि हेलमेट पहनना चाहिए, ब्रांड के हेलमेट पहनना चाहिए, सड़कों पर अपनी सुरक्षा के लिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो हेलमेट क्यों नहीं पहनी आप? बिल्कुल हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन पुलिस की प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि हेलमेट, पुलिस की प्रायोरिटी होनी चाहिए सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी। जहाँ पे रेप होता है वहाँ तो पुलिस इतनी जल्दी नहीं पहुँचती है, यहाँ इतनी स्पीड से इतने क्वांटिटी में पुलिस है, जैसे मान लो कोई मर्डर वर्डर हुआ हो ऐसे ये लोग रोक रहे हैं। सीन नहीं होता, ये आज हुआ है क्योंकि हमारा डेली पटना वुमेन से आना जाना होता है, यहाँ पे एक पुलिस यहाँ डेली नहीं रहती। लगातार पटना के जो वासी थे वो शिकायत कर रहे थे कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस पकड़ती नहीं, बाइकर्स गैंग और तमाम जिस तरह से आप देखते थे सड़कों पर। एक दिन पहले वो लोग नोटिस दे सकते थे, अचानक से ये कर देना। हम लोग का कॉलेज से डेली का आना जाना होता है, एलएन मिश्र के डेली स्कूटी पे बाइक पे चार चार लोग साथ आते हैं। गाड़ी पकड़ी गई जी, हमारी गाड़ी तो ऊपर है। इसलिए किस कारण? इनके सर पे हेलमेट नहीं था। हेलमेट अब आगे से पहनेंगे? हेलमेट आगे से बिल्कुल हेलमेट पहनेंगे और जहाँ पे लोगों को देखेंगे वहाँ खुद रुक कर पुलिस को कॉल करेंगे। तो ये थी, इन्होंने कहा कि पुलिस को सबसे पहले जो अपराध हो रहा है उस पर लगाम लगाना चाहिए। और ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से चालान लगातार पुलिसकर्मियों द्वारा काटा जा रहा है, और ये एक बड़ा अभियान, खुद पटना के एडीजी जो है सिंघल साहब ने कहा था कि पुलिस कार्रवाई करो, ये देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है और ये हेलमेट और तमाम जो चीजें हैं जो नहीं पहन रहे हैं उस पर ये कार्रवाई हो रही है। और पटना पुलिस लगातार अपनी कह सकते हैं पटना ट्रैफिक का जो सिस्टम है, ट्रैफिक पुलिस के तहत जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। आप देखिए यहाँ भी किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है। हमारे साथ एक मौजूद है,
हम और भी इधर भी बात करते हैं कुछ महिलाओं से। आप बताइए, आप की गाड़ी पकड़ी गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ फाइन कर। अच्छा, आप फाइन कर रहे हैं, आप पटना पुलिस से हैं। तो आप बताइए, क्या लगता है, कुछ महिलाओं ने शिकायत किया कि हमें जानकारी नहीं है, तो आपको लगता है कि इनको जानकारी नहीं दी गई? ये हेलमेट तो सेफ्टी के लिए पहना जाता है, जरूरी नहीं है कि जानकारी होना ही चाहिए। इसका सेफ्टी है ना, आपको अपने सेफ्टी के लिए तो हेलमेट, चाहे अभियान चले या नहीं चले, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं पटना पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये देखिए किस तरह से चालान, एक तरह से पहली बार पटना में देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पे ये चालान रखा हुआ है, और कहीं न कहीं अपराध को कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए पुलिस लगातार कवायद कर रही है, और यही कारण है कि हर जगह आप देख रहे हैं पटना पुलिस की जो टीम है वो सड़कों पर उतरी है और वो लगातार कार्रवाई कर रही है, और यही आप देख रहे हैं कि लगातार आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। हम जरा अधिकारी महोदय से भी बात करेंगे। सर, लगातार ये बड़ी कार्रवाई, क्या कहेंगे? बड़ी कार्रवाई हो रही है, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, लोग सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सिंगल साहब ने कहा था कि अपराध में कमी आई है, आप ये बताइए कि ये चालान कट रहे हैं, कितना चालान कटा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ सरकार? अभी तो मैं काट रहा हूँ, काउंटिंग क्लियर नहीं है, काउंटिंग अभियान खत्म होने के बाद पता चलेगा कि टोटल कितना हुआ है। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि अभी लगातार ये अभियान जारी है और लगातार ये जारी रहेगा। महिला पुलिस भी यहाँ मौजूद है ताकि महिलाओं के साथ भी पूछताछ की जाए और वो महिला पुलिस करे, और ये तमाम जो गाड़ियां आप देख रहे हैं यहाँ से वहां तक, ये एक लंबी कतार, एक लंबा फेरिस्ट है, और ये जो कार्रवाई हुई एक लंबी कार्रवाई हुई, और ये पटना पुलिस, पटना ट्रैफिक पुलिस के तहत ये कार्रवाई हो रही है। और ये देखिए कुछ फोर व्हीलर्स को भी रोका जा रहा है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ क्यों हुआ। सर, आपकी गाड़ी क्यों रोकी गई? रसीद दिखाया जाए सर, रसीद दिखाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि बात कीजिए। तो ये भी कुछ कहना चाहते हैं, ये मैं इनसे भी बात करूंगा, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के तहत ये जो पटना पुलिस ने कहा था कि अब आने वाले दिनों में हर तरह की कार्रवाई होगी, तो हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, वो कुछ कहना चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या है ये कार्रवाई जो हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई के लिए तो बहुत स्वागत है, लेकिन ये कार्रवाई कब तक चलेगी? हमारे आपके ट्रैफिक एसपी साहब या सरकार के निर्देश पर ये है, लेकिन यहाँ इस सारे व्यवस्था होता है इंसानों के लिए, हेमंत रोड पर फराटे बन के घूमते रहते हैं, पुलिस प्रशासन मुंह दर्शक बना हुआ रहता है, कोई नहीं तंग करता है। हमारा एक रिक्वेस्ट था कि ठीक है सर, आपकी व्यवस्था में हम आज एक चांस दिया जाए, हर इंसान को सुधरने के लिए मौका दिया जाता है। इन्होंने कहा नहीं, कोई चांस नहीं है, आप फाइन दीजिए, हमें स्वागत है, हम देते हैं, लेकिन ये व्यवस्था कब तक चलते रहेगा? ये पैसा वसूल के सरकार के खाते में चल जाए और दो दिन के बाद व्यवस्था बंद कर दी जाए, इससे क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल। तो एक सवाल भी उठता है, जिस तरह से सरकार अभी घेरे में है, जिस तरह से पूरे बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा, अपराध का ग्राफ है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कहीं ना कहीं पटना पुलिस का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप सर पटना में रहते हैं ना, देखते हैं ना, आप रोड पर गुजरिए, आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करिएगा, 100 मोटरसाइकिल बाइकर्स दाएं बाएं करके निकलते रहती है, आप हर 500 मीटर पर पुलिस प्रशासन व्यवस्था में लगी हुई रहती है, उसको धजिया उड़ाते हुए पार कर जाती है, ये किसकी कमी है? कहीं ना कहीं कमी है पुलिस में, क्या तो एकदम, माने इसके लिए क्या कहते हैं, इंसान को चलना दुर्लभ हो गया है। ये थे आम जनता, पटना की आम जनता ने कई शिकायतें भी की, और पटना की आम जनता ने कहा कि शिकायतें भी है क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें कहीं ना कहीं उनको समय दिया जाना चाहिए, और ये देख रहे हैं कि लगातार, ये देखिए, ये भी कुछ कहना चाहिए, क्या याचिका कराएंगे हम, सीट बेल्ट पहने हुए मेरा मिनट टूट गया 2 दिन पहले, क्लेम में डालेंगे गाड़ी। क्या पुलिस आपसे क्या कर, बोल रहे फाइन भरो, फाइन किस चीज के लिए मांग? ये सीट बेल्ट नहीं पहने, सीट बेल्ट पहन के घूम रहे हम, बोल रहे आप पहने हुए? हाँ पहने हुए थे। देखिए आपने देखा है, सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, ये झूठ बोल रहा है, हम लोग देखते हैं। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपस में पुलिस और पब्लिक का जो एक कह सकते हैं कम्युनिकेशन, उसमें पुलिस के पास भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, और कहीं ना कहीं ये पूरा जो आप ये देख सकते हैं, ये कार्रवाई का जो आलम है, ये कार्रवाई का आलम यही है कि पटना पुलिस अपने आप को ये कहना चाहती है कि हम लगातार आपके लिए तत्पर हैं, सदैव तत्पर हैं। हरदेव दुबे जी कुछ कहेंगे आप? नहीं, हम लोग बिल्कुल पब्लिक के सेवा में तत्पर हैं, और एनी टाइम यही चाहते हैं कि जितना सुंदर से सुंदर यातायात संचालन हो सके और आपके लिए हम मेहनत कर सके। दुबे जी, कुछ पटनाइट जो लोकल है वो शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस तंग भी करती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई शिकायत नहीं है,
कि लोग एक कहे कि पुलिस गलत कर रही है, पुलिस सही भी काम करती है तो लोग कहते हैं कि गलत कर रही है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसलिए आप खुद समझ सकते हैं पुलिस का वेदना, और हम कैसे कह सकते हैं आपको। तो ये थे दुबे जी, काफी पुराने पुलिसकर्मी, और ये कह रहे थे कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है। और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी कहा था कि बिहार में सुशासन का राज रहेगा, अब देखना यह है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजधानी पटना और पूरा बिहार में किस तरह से सुशासन का राज दिखता है, क्योंकि अंतिम तौर पर जनता चाहती है सुरक्षा, जनता चाहती है बेहतर जिंदगी, और जनता चाहती है शांति। आने वाले समय में देखना होगा कि पटना में अपराध कितना रुकता है और किस तरह से कार्रवाई होती है। सहयोगी संजय के साथ संजीव राय, साधना न्यूज़, पटना।